मजे लेना बंद करते हैं। ध्यान दीजिए, जब मजे लेना बंद करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, तब क्या मिलता है? नेगेटिविटी। मजे वाले को नेगेटिविटी कभी मिलती है? नहीं। तब क्या मिलती है? नेगेटिविटी। अब थोड़ी सी नेगेटिविटी मिलने के बाद एक दो लोग प्रोडक्ट लेने से मना करते हैं, हम उदास हो जाते हैं। तीन चार मना करते हैं, हम निराश हो जाते हैं। पांच सात मना करते हैं, हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं, यार मेरे बस का रोग नहीं है। क्या सही कह रहा हूं या सर नो? लेकिन हमें प्रोसेस को समझना है। हम सेल्स लाइन में आए हैं। सेल्स लाइन इज इक्वल टू रिजेक्शन लाइन। इस लाइन में आपको रिजेक्शन मिलेंगी। जाके बुक्स पढ़िएगा सेल्स लाइन की। 5% 10% ही रिजल्ट होते हैं। 80% एक्टिविटी ही मिलती है। 90% एक्टिविटी ही मिलती है। एक आम व्यक्ति से कई बार ज्यादा फेल होता है कौन? एक सक्सेसफुल इंसान, एक कामयाब इंसान, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, हार नहीं मानता, क्विट नहीं करता। वो बहुत ज्यादा बार फेल होता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी रिजेक्शन के ऊपर हम घबरा जाते हैं, उनको दिल पे लेना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों का मजाक, रिलेटिव की नेगेटिविटी, घर वालों का आप पे फेथ ना करना, तो हमें नेगेटिव करना स्टार्ट कर देता है। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? हम सबकी दिक्कत क्या है फ्रेशर्स की? हम अपनी सक्सेस स्टोरी तो लिखना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ उसमें ये भी चाहते हैं कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई पेन ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई मजाक ना हो, कोई हम पे हंसे ना। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो सॉरी टू से, नॉट पॉसिबल। सक्सेस के प्रोसेस को समझिएगा। ये नेगेटिविटी से होता हुआ ही प्रोसेस आगे जाता है। चलो कुछ लोगों की बात करते हैं यहाँ पे। ये भाई साहब माइकल जॉर्डन, फेल टू शॉट ओवर 9,000 शॉट्स। 9,000 शॉट्स में ये फेल हुआ। ये क्या हो गया इसको? 9,000 शॉट्स में ये फेल हुआ और 300 गेम्स, 300 गेम्स इसने लॉस्ट करी, 300। उसके बाद आगे क्या लिखा है? 26 गेम विनिंग शॉट्स इसने मिस करे। ये क्या कहते हैं? आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ, दैट्स वाई आई सक्सीड। मैं अपनी लाइफ में बार 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 फेल हुआ, इसलिए अब ये व्यक्ति इस दुनिया में मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा जो इनसे ज्यादा बार फेल हुआ होगा। सबसे ज्यादा बार ये इंसान है जो फेल हुआ है। और आज अगर मैं इसकी इनकी नेटवर्थ की बात करूं, इनकी नेटवर्थ फिल्म स्टार से, बहुत सारे फिल्म स्टार से, बहुत सारे हॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा है। और इनके घर की बात करूं तो इनका घर बहुत बड़ा है, और पूरा पिक्चर में आया नहीं है अभी, सोच के देखिए। लेकिन ये नेगेटिविटी से नहीं घबराए, ये प्रॉब्लम से नहीं घबराए। इन्होंने क्या किया? फिर दोबारा स्टार्ट। ये भाई साहब हैं जैक मा जी, चाइना के अमीर आदमी। सर हम बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, मैं तो उनको जानता हूं, मेरे को तो पता है। यही तेरी प्रॉब्लम, देखो सब कुछ पता है, लेकिन तेरे को ये नहीं पता कि तेरा थर्सडे चेक कितने का बनना है। बस पता तेरे को सारा कुछ है, लेकिन अप्लाई तूने ये किया है।
तेरी वे ऑफ टॉकिंग से, तेरी बातचीत से तू लगता नहीं है तू कुछ जानता है। 30 times रिजेक्शन मिली इनको, 30 times ये बंदा रिजेक्ट हुआ। चाइना में KFC में इंटरव्यू देने गए, 24 लोग वहां पे आए, 23 लोगों को रखा गया। किसको नहीं रखा गया? इस बंदे को। अपने कजन के साथ 2 साल लगातार 5-star hotel में जॉब के लिए अप्लाई किया, तैयारी करता रहा। जब इंटरव्यू की टर्न आई, क्या हुआ? कजन को जॉब मिल गई, इसको नहीं मिली, जबकि इसके मार्क्स उससे ज्यादा थे। सोचिए, बार बार नेगेटिविटी मिलने के बाद भी जो हिम्मत नहीं हारता, हौसला नहीं हारता, वही तो विजेता कहलाता है ना। उसी की तो फोटो दिखाई जाती है ना यहां पे। ये स्टीव जॉब्स, इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत में पहली जॉब इनको जब मिली, पहली जॉब से निकाल दिया गया। आज ये महान लोग, कुछ भी नहीं था इनके पास। हम अपने हालात पर रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, हालातों का रोना रोते रहते हैं। इन्होंने हालातों का रोना नहीं रोया, गैराज के अंदर कंप्यूटर लगा लिए और 2 लोगों के साथ इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। एप्पल के ओनर, एक दिन ये ऑफिस था और आज ये ऑफिस। लाफोग्राम स्टूडियो बनाया इन्होंने और वो बैंकरप्ट हो गया। पहली जॉब से इनको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कि ये बंदा क्रिएटिव नहीं है। किसको? वाल्ट डिज्नी को निकाला गया, जिनकी क्रिएशन आज दुनिया जानती है। इन हम भी कहते हैं यार, हमें नेगेटिविटी मिलती है, हमें प्रॉब्लम आती है, हमें दिक्कत आती है। इनकी भी इंसल्ट हुई, इनकी भी बेइज्जती हुई, ये एक बोल दिया गया, लेकिन इन्होंने बेइज्जती का उसको जवाब नहीं दिया। जाकर उसको बोल दिया, बॉस को, तू कौन होता है? लड़े नहीं, दिल पे लिया। अब सोच के देखिए, जॉब से निकाल दिया गया ये कहकर ये क्रिएटिव नहीं है, तो इनकी क्रिएशन अब सोच के देखिए, दुनिया जानती है आज। वाल्ट डिज्नी स्टूडियो, मिक्की माउस बनाने वाले, आज मिक्की माउस का नाम किससे जाना जाता है? तो जबरदस्त तालियां इनके लिए होनी चाहिए। तेरा बाप आया। पहली मीटिंग अपने फ्रेंड्स को दिखाई, वो मना कर गए। रिलेटिव को बोला, उन्होंने नेगेटिव करा। फ्रेंड नेबर्स को बोला, उन्होंने नेगेटिव करा। बॉस तो ये बोलना स्टार्ट कर दिया, दोनों में से एक चीज चुन ले, जा डेक्स सेलिंग द जॉब। मैंने उसको बोला, मन ही मन डेक्स सेलिंग चूज कर चुका हूं, जो आपको क्विट कर चुका हूं, करना बाकी है बस, अंदर ही अंदर क्विट हो चुकी है। हमें भी हमारे रिलेटिव बोलते थे, जिन चक्करों में तू पड़ गया ना, तेरा साइकिल भी बिक जाएगा, तेरी नौकरी भी चली जाएगी। और मैं भी कहता था, चली जाए, मेरे को अच्छी नहीं लगती। नेगेटिविटी आपको बहुत मिलती है, प्रॉब्लम आपको बहुत आती है, दिक्कत आपको बहुत आएंगी, परेशानियां आपको बहुत आएंगी, लोग मजाक करेंगे, लोग हंसेंगे, वो आप पे हंसता है, उन पे हंसो, वो आपका प्रेजेंट देख के हंसते हैं, आप उनका और अपना फ्यूचर देख के हंसो। हा, 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 हा। कहते हैं एक ही एक है इंडिया में रोग, भाई क्या कहेंगे लोग। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक लड़का और उसके पिता, पिता पुत्र, एक गांव से अपने गधे के साथ शहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कुछ सामान लेने के लिए शहर से। पुराने समय में गधे ही होते थे।
तो गधे को लेकर जा रहे हैं, गधा भी चल रहा है, पिता भी चल रहा है, बच्चा भी चल रहा है। थोड़ा सा दूर गए तो आगे एक भाई साहब मिले, कहते हाँ जी सर कहाँ जा रहे हो? कहते जी शहर जा रहे कुछ सामान लेने के लिए। कहते और सब ठीक है? कहते हाँ ठीक है। कहते ये बताओ, गधा भी चल रहा है, आप दोनों भी चल रहे हो, ये क्या चक्कर है? कहते चक्कर तो कोई भी नहीं, बैठो। कहते इसमें सामान तो आती दबा, इसमें जो लादना है अभी बैठो। वो दोनों मैंने बैठ गए। कहते बात तो सही है यार, हम दोनों को बैठना चाहिए था यहाँ पे, ऐसे गधा चल रहा है मज़े ले रहा। दोनों जाने गधे पे बैठ गए। थोड़ी दूर और गए, एक भाई साहब और मिल गए गाँव के। कहते क्या हाल चाल है? ठीक है। कहाँ जा रहे हो? शहर जा रहे हैं। क्या लेने? सामान लेने। आपको तरस नहीं आता? गधा पसीनों, गधे को पसीना आया हुआ है, आप दोनों इस पे चौड़े होकर बैठे हो, एक नीचे उतरो उसको सांस आए। तो फादर नीचे उतर गए, पिता नीचे उतरे, और बेटा बैठा हुआ है। थोड़ी दूर और गए, एक भाई साहब और मिल गए। कहते कहाँ जा रहे हो? कहते शहर। कहते क्या? बेटे को कहते, कहते तू कैसा बेटा है? बाप तेरा चल रहा है, तू मजे ले रहा है गधे पे बैठ के, बिठा बाप को, आप नीचे चल। बेटा सोचता यार बात तो सही है, पिता की इज्जत करनी चाहिए। उसने क्या किया, बेटा उतरा, पिताजी बैठ गए। थोड़ी दूर और गए, एक गांव से और भाई साहब मिले। कहते कहाँ जा रहे हो? शहर। फिर पिता को कहते, आप काहे के पिता हो? बच्चा चल रहा है, गधे के पसीना आया है, आप आराम से बैठे हो ऊपर आनंद ले रहे हो, उतरो नीचे, गधे को भी सांस आए। और फिर वो बेचारे, फिर दोनों उतर गए। फिर देखा गधा भी चल रहा है, पिता भी चल रहा है, पुत्र भी चल रहा है, और आगे से एक भाई साहब और आए। कहाँ जा रहे? शहर। क्या लेने? सामान। चल क्यों रहे हो? गधे पे बैठो। एक ही एक है इंडिया में रोग, भाई क्या कहेंगे? लोग तो बोलते ही रहेंगे, आपको घबराने का, टेंशन लेने का, लोगों की बातों को इग्नोर करो। तो कौन कौन कहता है आज से हर नेगेटिविटी, हर प्रॉब्लम, हर परेशानी, हर दिक्कत मैं झेलने को तैयार हूं।